भाई इस बाइक का इतना स्थिति ख़राब है कि 20 से ज़्यादा माइलेज नहीं दे रहे और एक्सीलेटर झाड़ने पे पूरा पेट्रोल ही फेंक रही है। इंजन से पूरा पेट्रोल आ रहा है इसका और माइलेज भी नहीं दे रही। ये है BS6/BS4 बनाया गया, चलिए देखते हैं इसमें क्या हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, अभी आप देख पा रहे हैं हमारे पास ये HF6 और इसमें जो है कार्बोरेटर इंस्टॉल हुआ है। BS6/BS4 बनाया गया है और इसमें जिसने भी बनाया इसको बनाने में 7000 रुपये लगा दिया इसमें और गाड़ी में इतना काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा है। पहला प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ कि गाड़ी जो है बहुत गाड़ी धुआं फेंक रही है और दूसरा प्रॉब्लम है कि बाइक जो है 30 से ज़्यादा माइलेज इसका बढ़ ही नहीं रही है। तो जिसने भी इसमें कार्बोरेटर लगाया है उनका ये कहना है कि बाइक के जो वायरिंग प्रॉब्लम है, माइलेज नहीं दे रही, इसका वायरिंग प्रॉब्लम है। तो जो कस्टमर है हमारे पास, जो हमने जो वीडियो डाल रखा है यूट्यूब पे HF6 में कार्बोरेटर कैसे लगा, वो वीडियो देख के और हमारे पास कमेंट किया कि भाई ऐसा ऐसा हमारे पास बाइक है और 20 से ज़्यादा माइलेज नहीं दे रही है और पूरा काला धुआं फेंक रही है, फेंक रही है। हमने उनका अपना नंबर दिया, 40 किलोमीटर से बाइक लेके आया है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों जो है बाइक 20 से अब ज़्यादा बाइक में माइलेज नहीं दे रही है और पूरा पिकअप भी नहीं दे रही और काला काला क्यों धुआं फेंक रही है। चलिए देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है, क्यों ये काला धुआं फेंक रही है और माइलेज नहीं दे रही है। तो चलिए सबसे पहले इसका हम ट्यूट बॉक्स खोलते हैं, इसका टंकी खोलते हैं और कार्बोरेटर खोलते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम हुआ है, क्यों जो है बाइक माइलेज नहीं दे रही है, काला धुआं दिखा रही है और अच्छे से चल नहीं रही है। तो चलिए सबसे पहले इसका टंकी जो है हम बाहर निकाल लेते हैं। देखिए ये वीडियो जो है पूरा आपको एंड तक देखना होगा, नहीं तो आप BS4 बाइक बनवा रहे हैं, BS6/BS4 बनवा रहे हैं तो उसमें भी इस तरह की प्रॉब्लम आ सकता है जिस तरह से इसमें प्रॉब्लम आया है। तो चलिए खोलते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरीके से जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा और कैसे सही होगा, क्या क्या काम करना होगा। इसमें खर्चा कुछ भी नहीं लगने वाला, सिर्फ ये चार्ज में बनने वाला है, जो मजदूरी लगता है वो मजदूरी में, इसमें सामान कुछ भी नहीं लगने वाला। सो इस जो भी है सेटिंग करना होगा, क्या क्या सेटिंग करना सारा दिखाएंगे आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक जरूर बन रहे और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए इसका ट्यूब बॉक्स निकल गया यहाँ पर। सो चलिए यहाँ पर हमने इसका ट्यूब बॉक्स खोल दिया, अभी इसका एयर फिल्टर खोलते हैं, कार्बोरेटर खोलते हैं, इसमें देखते हैं क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो चलिए यहाँ पे फिल्टर खुल रहा है, खोल कर देखते हैं कि इसका फिल्टर का जो है स्थिति किस तरह से है और कार्बोरेटर का स्थिति किस तरह से है। जबकि इसमें कार्बोरेटर भी ओरिजिनल लगा है, ये नहीं है कार्बोरेटर नोकल लग गया है, कार्बोरेटर जिसने भी लगाया है सही लगा है, लेकिन सेटिंग कौन सा किया है ये देखते हैं हम कि इसमें सेटिंग कौन सा किया है जो बाइक की माइलेज दे नहीं रही है। जबकि इसको 50-60 से ऊपर माइलेज देना चाहिए क्योंकि इसमें कार्बोरेटर जो है ओरिजिनल लगा है, तो समझिए इंजन भी पूरा सही है इसका, कार्बोरेटर भी सही है, लेकिन माइलेज क्यों नहीं दे रही है, इसको माइलेज देना चाहिए लेकिन माइलेज दे नहीं रही है। तो चलिए यहाँ पे बक्स भी खोलते हैं, इसका कार्बोरेटर भी खोलते हैं, देखते हैं क्यों माइलेज नहीं दे रही है, ऐसे इसमें जो है प्रॉब्लम। तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं इसका फिल्टर। तो यहाँ पे इसका फिल्टर हम चेंज करेंगे, फिल्टर क्योंकि इसका ख़त्म हो गया है तो इसमें हम नया वाला फिल्टर लगाएंगे। क्योंकि इसको देखिए, इसका फिल्टर जब भी चौक हो जाएगा फिर भी बाइक माइलेज नहीं देगी। और यहाँ पर देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखा दे रहा हूँ, इसके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मोबिल आया है, जब भी अगर फिल्टर ख़राब होता है तो यहाँ पर मोबिल आने लगता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं पूरा इसमें कचरा है, इस तरह से कचरा रहेगा फिर भी बाइक माइलेज नहीं देगी। और इस तरह से जब बाइक में मोबिल उठाने लगेगा तो बाइक जो है काला धुआं दिखा रही है, दिखाने लगेगी, जैसे कि अभी इसमें दिखा रहा है तो इसमें काला धुआं दिखाने लगेगी। तो चलिए इसको हम साफ़ करते हैं और इसमें लगाते हैं नया वाला फिल्टर। और यहाँ पर मैं आपको कार्बोरेटर पर दिखाने की कोशिश करूँगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर पूरा है जो कचरा से इसमें भरा है, जो उसमें नहीं रहना चाहिए, नया कार्बोरेटर में अगर कचरा रहता है तो वो माइलेज नहीं देगी। तो इसको भी खोलते हैं बाहर, देखिए अभी मात्र हम इसका 2 महीने हुआ लगाए हुए कार्बोरेटर, इसमें इसका स्थिति देखिए, इसका कार्बोरेटर का स्थिति किस तरह से, जब इसमें जो है इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्यों हुआ है, जो इसका एयर क्लिनिक है, जो एयर फिल्टर है यहाँ पे लगता है एयर फिल्टर इसका वो जाम है। अगर वो जाम रहेगा तो जितना भी यहाँ पे आप गर्दा देख रहे हैं टोटल एक खींच के कार्बोरेटर में ले जाएगा, जब भी कार्बोरेटर में लेकर चल जाएगा तो एक्सीलेटर जब भी लीजिएगा तो काला धुआं दिखाएगा, जिसमें जैसे कि ये दिखा रहा है। तो चलिए इसको भी हम टोटल साफ़ करेंगे कार्बोरेटर को भी। तो चलिए हम इसको साफ़ करते हैं और आपको दिखाते हैं जो कार्बोरेटर में, तो बाहर से सीटिंग होगा क्योंकि अंदर इसका कुछ भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इसका कार्बोरेटर जो ओरिजिनल लगा है, हीरो कंपनी का लगा है। तो यहाँ पे जो सेटिंग जो हुआ है, यहाँ पे जो कंपनी मार्क देता है, जिसने भी इसमें कार्बोरेटर लगाया उतने भी कस दिया, इसको एडजस्ट नहीं किया है। तो चलिए इसको हम साफ़ कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे इसको एडजस्ट करना है। सो दोस्तों यहाँ पर हमने कार्बोरेटर जो इसका वॉश कर लिया है और चलिए बताते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ था और ये कैसे सही होगा। तो इसको कार्बोरेटर कस के ऊपर से सेटिंग जाएंगे, आपको सेटिंग कैसे करना है। देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, ये बाइक जो है बाइक वाला, देखिए बाइक वाला के ये कहना था कि हमने उनसे पूछे ये बात कि आप कार्बोरेटर कहाँ लगाएं जो इतना खर्चा आपको लग गया और बाइक आपकी सही भी नहीं हुई, प्रॉब्लम वही का वही है, आपने 7000 रुपये लगा दिया जबकि इसमें बहुत ही कम पैसा लगता है। तो कितना पैसा लगता है ये वीडियो के एंड में बताएंगे, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं इसमें जो है प्रॉब्लम का हुआ है। सो हमने उनसे ये बात पूछा कि ये बाइक में तो उतना पैसा लगवा दें लेकिन सही नहीं हुआ तो आप यहाँ पर कार्बोरेटर लगवाएं। तो वो उन जिनका ये बाइक है वो बोले कि हमने जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे हमने कार्बोरेटर वीडियो यूट्यूब पे देख के लगवाया है,
लेकिन जो मैकेनिक लगाया हमको नहीं समझ में आ रहा है कि उनको उतना पता है कि नहीं, लेकिन कार्बेटर लगा दिया, लेकिन कार्बेटर तो लगा दिया, बाइक चलने लगी लेकिन माइलेज एक भी नहीं दे रही है और इसमें प्रॉब्लम आ गया। तो चलिए कार्बेटर कसते हैं, दिखाते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है और कैसे सही होगा। तो चलिए यहाँ पर हम इसका कार्बेटर जो है कस लेते हैं और इसमें फ़िल्टर हम नया डालेंगे। देखिए फ़िल्टर BS6 बाइक में कभी भी नया डालना चाहिए और कभी भी डलवा रहे हैं तो हीरो को होना चाहिए। देखिए कोई खास दाम नहीं पड़ता, अगर कस्टमर 7000 लगाने में सक्षम है तो 240 में लगाने में क्यों नहीं सक्षम रहेगा। तो ये चीज़ आपको लगवाना है, कभी भी ओरिजिनल लगाना, क्योंकि फ़िल्टर जो क्वालिटी है वो अच्छा होना चाहिए, जो इसमें नहीं लगा हुआ है, इसका फ़िल्टर ओरिजिनल नहीं लगा हुआ। मैं दिखा दे रहा हूँ कि ओरिजिनल फ़िल्टर कैसे रहता है। तो देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ओरिजिनल फ़िल्टर में क्या काम करता है और नोकल फ़िल्टर में क्या काम करता है। सो ओरिजिनल फ़िल्टर में जितना भी आपको यहाँ पर गर्दा चपका हुआ मिलेगा वो अंदर कभी भी नहीं जाएगा, जितना भी चपका हुआ मिलेगा वो बाहर ही भीज के, भले ही जैसे भी काला भी हो जाएगा लेकिन ये अंदर जो है कचरा नहीं जानेगा जाने देगा। लेकिन इस वाला फ़िल्टर में यहाँ पे गर्दा नहीं रोकता है, सीधे वो गर्दा जो है यहाँ पे आ जाता है। नोकल फ़िल्टर में यहाँ पे गर्दा आता है और जब यहाँ पे गर्दा आएगा तो कार्बेटर के अंदर खींचने लगेगा। और इसमें पहला नंबर गलती यही हुआ है कि इसमें फ़िल्टर जो है डाला गया है लेकिन इसमें नोकल फ़िल्टर डाला गया है, और ये ओरिजिनल फ़िल्टर इसमें बाहर चिपक जाएगा लेकिन अंदर गर्दा इसमें कभी नहीं जाएगा, जिससे क्या होता है कि इंजन भी सही रहता है, कार्बेटर भी सही रहता है, बाइक का माइलेज भी नहीं बिगड़ता है। सो चलिए इसको फ़िल्टर बॉक्स कस लेते हैं, कार्बेटर कस लेते हैं और इसका प्लग का मैं आपको किस स्थिति दिखा रहा हूँ, प्लग जो है किस प्रकार से इसका हुआ हो रखा है। तो यहाँ पर प्लग जो है, सो देखिए इसका प्लग जो कंडीशन है पूरा ख़राब कंडीशन में है, अभी हमने थोड़ा इसको साफ़ किया है और इसको चलिए टोटल साफ़ कर लेते हैं और उसके बाद से दिखाते हैं ये प्लग जो है पूरा फ्रेश जा रहेगा और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा खुर्चा है क्योंकि पूरा कचरा इसमें भरा था, तो चलिए इसको भी साफ़ करके कस लेते हैं। तो चलिए इसका प्लग जो हम चलिए इसका हम प्लग साफ़ कर लिए हैं, अभी इसको कसते हैं। उससे पहले इसका हम टाइप एडजस्ट करेंगे और टंकियों के लगा के आपको बताते हैं कि कैसे जो इसका माइलेज मिलाना है। तो चलिए यहाँ पे हमने टोटल इसमें काम कर लिया, इसका टाइप भी एडजस्ट कर लिया है और कार्बेटर भी इसका कस लिया, फ़िल्टर भी कस लिया। आप दिखाते हैं आपको कि माइलेज जो है कैसे मिलाना है आपको। कंपनी जो एडजस्ट देता है वो सिर्फ BS4 के लिए देता है, BS6 बाइक में लग रहा है तो उसके लिए नहीं देता है, इसमें कुछ और प्रकार से ही मिलाया जाता है पेट्रोल। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको कैसे मिलाना है, मैं बाइक चालू करके नहीं दिखा रहा हूँ, बस आपको ऐसे ही भी आप मिलाएंगे तो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको टोटल जो है इसको कस लेना है, पूरा तरीका से इसको कस लेना है। उसके बाद जो एम्पियर है इसका इंजन का जो रेस है यहाँ पे इसको भी कस लेना है, पूरा नहीं कसना है आपको, थोड़ा सा कस लेना है। उसके बाद से बाइक स्टार्ट कर लेना है। देखिए उसके बाद से बाइक आप चालू कीजिएगा तो इसको चालू होगा। हमने इसको जो है टोटल कस दिया है, माइलेज वाला यहाँ पर टोटल कस दिया है। अभी जितना पर इंजन रेस में आएगा उतना पर इसको रखना है। जैसे कि मैंने हम यहाँ पर इसको खोले, यहाँ पर देखिए इसको खोले, यहाँ पर खुल गया ये, और यहाँ पे देखिए जितना पे इंजन मांगेगा उतना पे रखना है। जितना मांग रहा है उतना पे आपको रखना है, जितना पे पूरा रेस हो रहा है कभी इसको इतने पे रखेंगे। उसके बाद जो इसको फॉलो कर देंगे, देखिए अगर जितना पे इसका एम्पियर मांग रहा है उतना पे ही आपको रखना है। इस प्रकार से आप माइलेज इसका मिला सकते हैं और उसके बाद से इसका माइलेज जो है पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई भी माइलेज में दिक्कत नहीं करेगा। अगर इस तरह का प्रॉब्लम अगर आपके पास हो रहा है या दूसरे किसी के पास हो रहा है तो उसके पास वीडियो जरूर शेयर करें, यानी कि उनको पता चल सके कि माइलेज जो है कैसे एडजस्ट होता है BS6 बाइक में BS4 बनाने के बाद।